टोस्ट मास्टर मित्रगण, ये कहानी है बहुत सैकड़ों साल पुराने की। एक लकड़हारा था जिसका नाम था वालीनाथ। वो रोज 5 पैसे कमाता था और उसमें से वो 4 पैसे अपने रोजमर्रा के काम में खत्म कर देता था, बट एक पैसा बच जाता था। उस एक पैसे को वो रोज एक गोलक में डालता रहता था। ऐसा सालों तक होता रहा और जब बहुत समय हो गया तो एक दिन उसने उस गोलक को फोड़ा और उससे बहुत सारे पैसे निकले। लकड़हारा बहुत ही साधारण इंसान था, उसको किसी भी तरह की मोह माया नहीं थी। उसने सोचा, मैं इसका करूंगा क्या। वो एक स्वर्णकार के पास गया और उस सारे पैसों से एक उसने कंगन बनवाया सोने का। और फिर वो एक अपने व्यापारी मित्र के पास गया और उससे बोला कि मित्र, मैं बहुत ही सीधा इंसान हूं, मुझे इतने पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये एक मैंने एक कंगन बनवाया है, तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि जिसका हृदय सबसे पवित्र हो, सबसे अच्छा हो, उसको ये दे सकते हो। व्यापारी ने थोड़ा सोचा, फिर उसको याद आया कि हाँ, एक काइस्तान जगह है जहां की राजकुमारी है जो कि बहुत सुंदर है और बहुत ही उदार है, मैं उसको ये दे सकता हूं। वालिदात ने कहा, कृपया जाइए और उसको दे दीजिए। वो 2 दिन की यात्रा के बाद काइस्तान गया, वहां की राजकुमारी को वो कंगन दे दिया। राजकुमारी ने पूछा, ये किसने दिया है। व्यापारी वालिदात के बारे में जानता तो था बट राजकुमारी को बताना नहीं चाहता था। उसने कहा कि एक ऐसा इंसान है जो कि अच्छे लोगों की मदद करना चाहता है, तो उसने ये आपको ये छोटा सा उपहार दिया है। राजकुमारी ने भी सोचा कि अब तो मुझे भी कुछ वापस देना चाहिए, किसी ने इतना अच्छा उपहार दिया है। तो राजकुमारी ने कहा, ठीक है, अब आप जब वापस जाइएगा तो ये एक ऊंट भर के बेहतरीन किस्म का रेशम है, आप ले जाइए और उनको वापस उपहार दे दीजिए। व्यापारी मान गया। व्यापारी जब फिर से वालिदात के पास पहुंचा तो वालिदात ने कहा, ये क्या है, मैं बहुत ही सीधा इंसान हूं, मैं इतने सारे रेशम का करूंगा क्या। तुम किसी और अच्छे इंसान को जानते हो जिसको ये हम दे सकते हैं। व्यापारी ने फिर से थोड़ा सोचा, उसने कहा कि पश्चिम की तरफ एक जगह है जिसका नाम है निकाबाद, वहां के एक युवा राजा हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वालिदात ने कहा, मित्र कृपया करके तुम ये रेशम उनको दे दो। व्यापारी मान गया और फिर ये रेशम लेकर के निकाबाद के पास चला गया और वहां के राजा को भेंट कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी उससे पूछा, कौन है ये ऐसा इंसान जिसने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा उपहार दिया है। व्यापारी ने फिर से ज्यादा कुछ नहीं बताया तो फिर राजा ने भी उसको वापस उपहार दिया। उसने कहा कि तुम ये लो, ये 12 बेहतरीन किस्म के घोड़े हैं, तुम ले जाओ और वालिदात को दे दो। बेचारा व्यापारी थोड़ा सा तो फंस रहा था बीच में, बट फिर वो वालिदात के पास गया। वालिदात ने कहा, मित्र तुम्हें पता है मैं कितना सादा इंसान हूं, मैं इतने सारे घोड़ों का क्या करूंगा। एक काम करो, तुम 2 घोड़े रख लो और बाकी वापस जा करके काइस्तान की राजकुमारी को दे दो। व्यापारी मान गया और वो फिर से चला गया काइस्तान की राजकुमारी के पास। और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा, एक बार यहां से वहां, तो 12 घोड़े जब उसने काइस्तान 10 घोड़े जब उसने काइस्तान की राजकुमारी को दिए तो उसके प्रधानमंत्री ने कहा, लगता है अब कुछ करना पड़ेगा। अब एक काम करो राजकुमारी, आप उसको इतना बड़ा उपहार दो कि वो वापस आपको उससे बड़ा कुछ दे ही ना पाए। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, एक काम करो मित्र, व्यापारी तुम 20 खच्चर भर के चांदी के सिक्के ले जाओ। बेचारा व्यापारी फंस चुका था, वो फिर से वालिदात के पास गया और वालिदात ने फिर से वापस वो भिजवा दिया राजा के पास निकाबाद के। निकाबाद के राजा ने भी फिर वही किया, उसने वापस उसको 20 ऊंट, 20 घोड़े और 20 हाथी भर के सोने के सिक्के भिजवा दिए। वालिदात जो एक बहुत ही सीधा साधा लकड़हारा था, उसने वापस हाथ पैर जोड़ के व्यापारी से कहा, व्यापारी मित्र तुम प्लीज इसको राजकुमारी के पास ले जाओ। और इस बार राजकुमारी के पिता को पूरा शक हो गया
ये कोई तो है जो कि मेरी पुत्री से शादी करना चाहता है। तो इस बार राजा ने कहा, पुत्री इस बार हम लोग खुद चलते हैं और देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो इतने बड़े बड़े उपहार दे रहा है। पूरी साजो सज्जा के साथ वो लोग वारिदात किसे मिलने जाते हैं। तो वह व्यापारी एक दिन पहले उनको रोक देता है और कहता है मैं जरा उसको बता देता हूँ। जब वालिदात को ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि अब मैं क्या करूंगा। वो जाता है एक पास वाली पहाड़ी पे और वो कूदने वाला होता है कि वो आत्महत्या कर ले और ये खत्म करे। तभी वहां पे दो परियां आ जाती हैं, उसकी कहानी सुनती हैं और फिर उसका एक बड़ा सा महल बना देती हैं। सारे राजा और पूरा उनका राजकाज सब कुछ आता है अगले दिन और वालिदात उनको बताता है पूरी कहानी। और उसके बाद कहता है कि महाराज मैं तो बहुत ही बूढ़ा हूँ, मैं तो शादी कर नहीं पाऊंगा, बट मुझे पता है एक और ऐसा इंसान है जो आपकी पुत्री के साथ विवाह कर सकता है। और फिर वो व्यापारी को भेज करके निकाबाद के राजा को बुलावा देता है और इस प्रकार से एक काइस्तान की राजकुमारी की शादी आखिरी में निकाबाद के युवा राजा से हो जाती है। और जो हमारा वालिदात था, जो बहुत ही सीधा साधा इंसान था, वो इस तरह अपने जीवन भर लोगों की मदद करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों की मदद करना शुरू करते हैं तो हम छोटे छोटे विपदाओं में फंस जाते हैं, बट हमें उससे रुकना नहीं चाहिए, हमें लोगों की मदद करती रहनी चाहिए। आपको नहीं पता है आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए कितना बड़ा उपहार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपकी तरफ। जोर से ताली बजाइए।